नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मराठा क्षेत्र शरद पवार के बीच गुपचुप बातचीतों का दौर जारी है। पिछले सप्ताह राहुल गांधी ने शरद पवार से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद शरद पवार जो मुंबई में थे, मात्र इस मीटिंग के लिए एक दिन का समय निकालकर दिल्ली आए। दोनों के बीच में गुपचुप तरीके से लंबी वार्ता हुई। सुनने में आया कि शरद पवार ने राहुल गांधी को ज्ञान दिया कि उनका फोकस अब सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में होना चाहिए। शरद पवार ने राहुल गांधी को समझाया, यदि इन तीन राज्यों में कांग्रेस जीतती है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करती है तो 2019 के चुनाव की नींव वही डलेगी। शरद पवार के अनुसार इन तीन राज्यों में यदि कांग्रेस जीतती है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जहां कांग्रेस का जनाधार है, वहां कांग्रेस के बारे में पूरा परसेप्शन बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम राज्यों में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकता है। राहुल गांधी जानते हैं कि शरद पवार देश में सबसे लोकप्रिय नेता है। वो भले ही महाराष्ट्र के क्षेत्र हो, लेकिन हर राज्य के रीजनल पार्टी के नेताओं का वो आदर्श है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो जो रीजनल पार्टी के नेता राहुल गांधी से असहज है, वहां शरद पवार उनकी मदद करें। खबर के पीछे की खबर यह है, उस चर्चा का निचोड़ यह भी निकलता है कि राहुल गांधी का फोकस 2019 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का है, ना कि प्रधानमंत्री बनने का। राहुल गांधी ने उस चर्चा में कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री बनने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, बस वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में चुनाव हारे, उसके बाद वो अपने संगठन पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे एक ऐसा संगठन बनाए जहां बूथ लेवल से लेके दिल्ली तक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार हो। शरद पवार भी भले ही उनका नाम उछलता हो, लेकिन बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो उस राज्य से आते हैं जहां उन्हें 20 से 22 लोकसभा सीट मिल सकती है। 22 लोकसभा सीट के भरोसे वो भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन समय क्या करवट बदलता है, ये तो समय बताएगा। एक बात तो तय है, देखना यह होगा कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए एनडीए के नेता जहां प्रचार प्रसार के साथ संपर्क यात्रा पे है, तो दूसरी ओर उनके तमाम विरोधी गुपचुप तरीके से मेल मुलाकात कर अपना गठबंधन मजबूत करने में लगे हुए हैं। 2019 के नतीजे ही बताएंगे प्रचार प्रसार काम आता है या गुपचुप तरीके से किया हुआ गठबंधन। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।